वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, वन प्लस एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है एंड इसकी जो लॉन्चिंग डेट है ना वो भी रिवील हो चुकी है। ये फ़ोन आपको 1 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल फूल के दिन। बट ये फ़ोन तो हम लोगों को अप्रैल फूल नहीं बनाएगी, बिकॉज वन प्लस का कहना ये है कि ये जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है ना, उसके हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस नॉर्ड सी फोर के बारे में। एंड दोस्तों, इस 2024 में जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हो रही है ना, ये सारे फ़ोन्स आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रही है। तो क्या सही में ये जो वन प्लस नॉर्ड सी फोर ये जिस प्राइस पर आने वाला है ना भाई, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही है या नहीं है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्विक रिव्यू होने वाली है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है। अगर आप इस फ़ोन को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, देन इसके लिए आपको पूरी रिव्यू जानना पड़ेगा। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है ना वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसकी जो डिज़ाइन है ना, बैक डिज़ाइन है ना, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। पिछले जितने भी नॉट सीरीज इन्होंने यहाँ लॉन्च किया है ना, उनके हिसाब से ये जो फोन का जो बैक डिज़ाइन है, जो लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड चेंज कर दिया गया है। नॉट सीरीज के जितने भी फोन है ना, उसमें आपको पीछे में 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बट इसमें जो कैमरा सेटअप है ना वो डुअल कैमरा सेटअप होने वाला है, जो दिखने में और भी ज़्यादा प्रीमियम फील देगा आपको। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.7 इंच का FHD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे क्या है कि आप अपने फोन को बहुत ही स्मूथली यूज कर पाओगे एंड इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो टॉप नॉच होने वाली है। एंड दोस्तों, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है, जो कि एकदम बहुत ही ज्यादा सही है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट नहीं है। एंड उसके साथ साथ इसमें एक और प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, इसमें आपको IP57 का रेटिंग भी देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। और अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। एंड इसमें आप गेमिंग बहुत ही आराम से हाई सेटिंग्स में कर पाओगे, चाहे BGMI हो या फिर COD मोबाइल हो या फिर Genshin Impact हो, सारे गेम्स आप बहुत ही आराम से कर पाओगे, वो भी हाईएस्ट सेटिंग पर। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, मिलाजुला कर जिस प्राइस सेगमेंट पर आ रही है ना ये फोन, काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड इसके जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना वो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप जरूर से जरूर रुकना। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड उसके साथ साथ आपको इसमें 100W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है, सपोर्टेड भी है। एंड आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी अडेप्टर देखने को मिल जाएगा 100W का, जिससे क्या है कि आप अपने इस फोन को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ भी कर पाओगे एंड अगर चार्ज खत्म हो जाना तो बहुत ही फास्ट चार्ज भी कर पाओगे। एंड दोस्तों, ये जो फोन है ना वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स 14 देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा सही है। एंड उसके साथ साथ आपको इसमें ऑक्सीजन OS 14 का भी सपोर्टेड है, जो और भी ज्यादा बेहतर है। हमने इस फोन के बारे में सारी चीजें तो जान ली, बस अब बाकी है इसका कैमरा के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो पीछे में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 50MP प्लस 8MP का। जो रियर कैमरा 50MP है ना, उसमें आपको IMX890 का कैमरा देखने को मिलेगा सोनी का, जो एकदम बहुत ही ज्यादा क्लियर फोटोज कैप्चर करता है। इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट है, जो कि एकदम सही वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये कैप्चर कर सकते हो। कैमरा जो माना गया ना बहुत ही ज़्यादा सही है जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है, वन प्लस का तो कैमरा सही रहता है। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलता है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड में फोटोज वगैरह भी कैप्चर कर सकते हो। पर ये दोनों जो कैमरा है ना काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें बस एक चीज़ मिसिंग है, जिसका नाम है मैक्रो कैमरा। यहाँ पर इसमें आपको मैक्रो कैमरा का सेटअप देखने को नहीं मिलता, बस आपको दो कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, एक अल्ट्रा वाइड कैम एक रियर कैमरा। दोनों ही कैमरा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, अल्ट्रा वाइड में भी काफ़ी अच्छी फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप फोटोज वगैरह सेल्फी में काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्लिक कर पाओगे। एंड इसकी जो स्किन टोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही होने वाली है। जिस प्राइस सेगमेंट पर आ रहे हैं ये फ़ोन, बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा सेटअप होने वाला है। एंड इसमें आप फोटोज़ भी अच्छी रिकॉर्ड कर पाओगे, वीडियोज़ वगैरह भी यहाँ रिकॉर्ड कर पाओगे। तो हम बात कर लेते हैं इस फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो ये आपको 26,999 यानी कि 27,000 से लेकर के 30,000 के अंडर में ही ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखना ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन आने वाला है, क्या सही में ये एक वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो जब फ़ोन लॉन्च होना है, उसी दिन हम लोगों को सारी चीज़ें और भी मालूम चल जाएगी। एंड दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में आपका क्या रिव्यू है ये मुझे कॉमेंट में
जरूर बताते जाना। एंड दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल हुई है ना, वीडियो जरा भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड मेहनत भी लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको क्वालिटी वाली कॉन्टेंट मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।